बरसानी आश्रम में आप सबका स्वागत है। अब सुबह के 9 बज गए हैं, मेरा सोने का टाइम पूरा, और उठते ही सबसे पहले काम ये होता है कि ये देखना कि कोई सीईटी से रिलेटेड कोई नई इन्फॉर्मेशन आई है कि नहीं आई है। और जब हम थंबनेल्स वगैरह खोलते हैं तो इस तरीके के थंबनेल्स आते हैं, जैसे कि जो कि न्यूज़पेपर की कटिंग से बिल्कुल अलग होते हैं। कोई तो कहते हैं कि एग्जाम की डेट आ गई, पेपर की डेट आ गई, पेपर भी सेट हो गया, जो न्यूज़पेपर की कटिंग में नहीं है वो डाल देते हैं। और कुछ तो न्यूज़पेपर इस तरीके की कटिंग डालता है, इन्फॉर्मेशन डालता है। दूसरा, कुछ बुद्धिजीवी हैं जो कि थंबनेल ऐसा बनाते हैं, या फिर पता नहीं उनको न्यूज़पेपर समझ में नहीं आता कि क्या लिखना है, क्या थंबनेल बनाना है, या फिर सिर्फ व्यूज के थंबनेल बनाते हैं। और सोचो कि हम कंटेंट डेवलप करते हैं, हम मजबूर हो जाते हैं उस थंबनेल को क्लिक करने में, तो सोचो स्टूडेंट की क्या हाल होता होगा। वो तो हर रोज तो ब्रेकिंग न्यूज देखते हैं। तो ये सब चीज नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आदमी उस चीज को देखता है तो उसके अंदर में सारी भावना जाग के आती है कि यार एग्जाम की डेट आ गई है, मुझे ये करना है और मुझे वो करना है। और फिर अगर न्यूज़पेपर में कुछ और है और आप थंबनेल में कुछ और डालते हो और निकलता कुछ और है ना, तो फिर आदमी डीमोटिवेट होता है, वो पढ़ना चाह रहा होता है ना तो भी पढ़ नहीं पाता है। तो मेरा निवेदन है सबसे उन बुद्धिजीवियों से कि इस तरीके का थंबनेल मत डाला करो और थोड़ा सा यूज योर ब्रेन्स यार। अभी चुनाव है, नगर निगम चुनाव है, उनकी वजह से क्या हो रहा है आपको पता है क्या हो रहा है? वोट के लिए एडवर्टीजमेंट डाली जाती है हमेशा। जब कुछ कोई चुनाव होता है, पंचायत चुनाव होता है, नगर निगम चुनाव होता है या और कोई चुनाव होता है, तभी एडवर्टीजमेंट क्यों आती है, तभी न्यूज़पेपर में कटिंग क्यों आती है? यूज योर ब्रेन यार, सिर्फ वोट के लिए आती है ये। और देखो 99% अगस्त के अंदर में आपका एग्जाम नहीं होगा, देख लीजिएगा आप, ठीक है? तो आप इस तरीके के थंबनेल्स के ऊपर मत जाया करो। और आपका लगभग जो 16 जून का जो कंटेंट है, सिर्फ आपका मैथ, रीजनिंग और हरियाणा जीके का बचा हुआ है, वो लगभग शाम के 6 बजे तक में आपके लिए डल जाएगा। आप उसको भी टाइमली फिर प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है? और लगभग रात के 8 बजे तक आपका जो आज जितना भी हम लोगों ने कंटेंट डाला है उसका टेस्ट होगा कि आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, ठीक है? तो मेहनत कीजिएगा, हम मेहनत कर रहे हैं दिन रात एक करके कंटेंट डालने में, और आप मेहनत कीजिएगा उस कंटेंट को याद करने में और रिवाइज करने में, ठीक है? धन्यवाद।